आज हम मंचूरियन राइस बनाएंगे। ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी होता है, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हम सब्जियां लेंगे, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। अब सभी सब्जियों को हम बाउल में डालेंगे, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 5 चम्मच बड़े मैदा डाल रही हूँ। मैदे की एक्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है इसमें। जब हमारा मटेरियल मैदे में मिक्स हो जाएगा और हमारा एक मंचूरियन बॉल बनना शुरू हो जाए, उतना ही मैदा डालना है हमने इसमें। मुझे थोड़ा कम लग रहा था मैदा, मैंने थोड़ा सा 3 चम्मच के करीब और मैदा डाला है। अब हाथ से मैं मिक्स करूँगी और ये देखिए एक बॉल बन रहा है मंचूरियन का। अब और मैदा हम इसमें नहीं डालेंगे। अब नमक डालेंगे। पहले नमक डालेंगे तो सब्जियां जो हैं पानी छोड़ देंगी, इसलिए मैंने बाद में नमक डाला है। अब बॉल बना लेंगे मंचूरियन के। मंचूरियन बॉल बन गए हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। हाफ़ फ्राई करना है हमने, बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। गरम तेल होगा तो बाहर से जो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सभी बॉल्स को तेल में डालने के बाद हम गैस को थोड़ा तेज करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है। अब हम पहले चावल बना लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी पानी डालकर रख दिए हैं पकने के लिए। अब हम मंचूरियन को तेज आंच पर फ्राई कर लेंगे। अब हमारा तेल जो है गर्म होना चाहिए। मंचूरियन बॉल्स को हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है इनमें। हमने बहुत ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है, बहुत आराम से हिलाइएगा इनको। अब हम इनको निकाल लेंगे। मंचूरियन बॉल हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और बीच में से पूरे पके हुए हैं। अब ग्रेवी के लिए हम 1 प्याज लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, थोड़ा पका लेंगे इसे। अब कुछ सब्जियां मैंने बचा कर रखी थी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, इसको भी इसमें डाल देंगे। सब्जियों को थोड़ा हम इसमें पका लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। अब 1 कटोरी में मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, पानी का इसमें घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैंने घोल बना लिया है। अब तड़के में हम टोमेटो सॉस डालेंगे। सोया सॉस 2 चम्मच के करीब डाली है मैंने। चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। अब इसमें हम मैदे का घोल डाल देंगे। 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। 1 उबाल आने देंगे इसमें। उबाल आ गया है, अब हम इसमें मंचूरियन बॉल जो है वो डाल देंगे। आप बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे इसको। ग्रेवी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि हमने इसमें राइस डालने हैं। थोड़ी चिली फ्लेक्स डालेंगे। मंचूरियन हमारा तैयार है, इसमें अब हम पके हुए चावल डाल देंगे। मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। 1-2 मिनट के लिए चावल को हम इसमें पकाएंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, और ये हमारे मंचूरियन राइस बनकर तैयार हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।